हाँ भाई, एक और पार्सल आया यहाँ पे, तो पिछले बार TCS का आया था, इस बार ये सेम पार्सल जो है ये लेपर्ड वाले भाई लेकर आए हैं। और फिर वही सीन है, बीच में बबल रैप इन्होंने भरा हुआ है और वो 50 रुपये वाले जो इन्होंने परफ्यूम है वो कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप सब भी। ड्रोन फार्म टिकटॉक, तो क्या मामला, तो वहाँ पे टिकटॉक की जो मैंने ऐप से परचेज किया ड्रोन, जो कि 3000 प्लस 200 डिलीवरी के साथ है, 3200 रुपये में मुझे यहाँ पे पहुँचा था। तो पिछली वीडियो में मैंने अपनी फुल फ्लैच अनबॉक्सिंग की विदाउट उसको मतलब खोले, पहले मुझे आइडिया हल्का सा हो चुका था कि यार इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ा है। मैंने पहले ही वीडियो में बोल दिया था भाई इसमें रिस्की है सीन, सबसे रिस्की अनबॉक्सिंग है। तो वो जब मैंने ऑर्डर किया उसके बाद यहाँ पर लाया, उसे अनबॉक्स किया। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले जाके आप देख लो उससे निकला क्या था। उस दिन थर्सडे था, नेक्स्ट डे फ्राइडे था, तो फ्राइडे एंड सैटरडे खुली रहती है, TCS तो बंद नहीं होती। अब मामला यहाँ पे क्या है और कैसे पेश आए वो सब स्टोरी मैंने आपको बतानी है, और क्या आपको इन वेबसाइट से चीज़ें खरीदनी चाहिए स्पेशली टिकटॉक से, वो भी सब बताऊँगा आज डिटेल्ड इस वीडियो में। इसलिए बताऊँगा कि आपके पैसे ज़ाया ना हो। तो भाई लोग, सबसे पहले यार थोड़ा जुकाम लगा है, गला भी थोड़ा ख़राब है, तो आवाज़ में थोड़ा ज़रूर फ़र्क आ रहा होगा, तो चलाए काम को यार भी। तो मैंने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद TCS वाले जो हैं वो COD मुझे दे रहे हैं, ठीक है भाई COD समझ तो आ गया, कैश ऑन डिलीवरी। अब मामला यहाँ पे क्या आते, जब मैंने अनबॉक्स किया उसमें से परफ्यूम निकला, ठीक है परफ्यूम, ड्रोन की जगह परफ्यूम 3200 में तो ड्रोन मिलता ही नहीं था। मैंने जस्ट ट्राई मारा कि यार, वैसे यार इंटरनेट देख रहा था कि यार इसमें ड्रोन मिलता भी है, 3200 में मिलता है, क्या 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 ही बातें हो जाएंगी। तो बहरहाल उसमें परफ्यूम निकली पठानों वाली 50 रुपये वाली। अब वहाँ पे मामला क्या हुआ कि उस दिन आता है पार्सल आता है, उसी दिन मैं उसको अनबॉक्स करता हूँ, उसकी वीडियो बनाता हूँ मैंने, जो कि अपने चैनल पर लगा दिया है ऑलरेडी, आप देखें वहाँ पर जाके। अब नेक्स्ट डे हम जाते हैं TCS के ऑफिस में, क्योंकि मेरा जो दोस्त है, ठीक है, वो ऐसा काम करता है जो कि उसकी डिलीवरीज जो होती हैं वो डिलीवरी वगैरह MNP में देता रहता है। उसने मुझे बताया कि यार ये होता है इस तरह कि अगर COD आ रहा है ना, तो COD में आपकी पेमेंट एकदम से नहीं जाती, तो उसका भला हो के उसने मुझे सब कुछ इंफॉर्मेशन दी। बट जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं पता भाई, उसके जो 3200 है ना वो गए कुछ TCS वाले खाते हैं, और कुछ जो पीछे बैठे ये जिन्होंने रजिस्टर की हुई अपनी ऐप उसकी तरफ जाते हैं। अब बात सुने मेरी आगे क्या होता है। तो अब क्या होता है भाई, TCS ऑफिस में जाते हैं, तो TCS के ऑफिस में नेक्स्ट डे जाते हैं, वो बोलते हैं भाई पहले तो भाई डायरेक्टली मैनेजर के पास भेजा गया कि आप मैनेजर से बात करें, तो वही सब कुछ करेगा। मैनेजर के पास हम जाते हैं, तो मैनेजर भाई बोलते हैं कि हम विद इन 24 आवर्स अपनी पेमेंट कर देते हैं COD में, विद इन 24 आवर। अब ये कितना सच है कितना झूठ है इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना हुआ है कि एक हफ्ता मिनिमम और मैक्सिमम 15 दिन से एक महीने तक इनकी जो पेमेंट्स होती हैं सर्कल में चलती रहती है, डिपेंड करता है आप कि आप कौन सा सर्कल चूज़ करते हैं। अब पार्सल आया, पार्सल पे हम वापस जाते हैं, पार्सल पे हमें वापस जाना नहीं था, मतलब जो हमने पार्सल TCS के थ्रू लिया उस पर हमने वापस जाना नहीं था। हम वापस इसलिए कि क्योंकि TCS COD दे रहा था, COD का मतलब ये है कि वो बंदा TCS से रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड होने के बाद वो TCS के थ्रू अकाउंट बना के मतलब कि हमसे पेमेंट वसूल करें, और वो जो TCS वाले ओनर भेज रहे हैं। अब मैनेजर भाई हमें टाल रहे हैं भाई कि निकलो यहाँ से, बस किसी तरह सर से निकलो, मतलब उन्हें बोला नहीं है, नाइस बंदा था, लेकिन ये कि एक टालने वाला ज़रा एटमोसफेयर उसने बनाया हुआ था अपनी फेस पर, पता चल गया था कि आ किसी तरह निकले टाल रहा। तो उसने हमें नंबर दिया TCS के कॉल सेंटर का कि आप यहाँ पर कॉल करें, आपका मसला ये सॉल्व करें, ठीक है भी। हम 8 मिनट की हमने कॉल की, रिकॉर्ड नहीं कर सका मैं, माई मिस्टेक। वहाँ पे एक लड़की ने कॉल उठाई, और वो लड़की मुझे बोली है कि मतलब उसने सलाम वगैरह किया जो कि कॉल सेंटर वाले करते हैं, तारों फरक करवा के। उसके बाद मैंने बताया कि भाई ये हमारा ऑर्डर है, यहाँ से डेस्टिनेशन आया, और यहाँ पर जो मुझे चीज़ अवेलेबल मिली है वो एक परफ्यूम है, ये परफ्यूम का काइंडली कुछ कीजिए इस बारे में जो सेलर है। अब ये जो सेलर नाम दे रहा है इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी ऑफ है, 5672 5672 8891 8891। तो लेट्स सी यार कि क्या ये लोग बोलते हैं, है भी है या नहीं है। आपका मिलाया हुआ नंबर मौजूद नहीं है, नंबर मौजूद नहीं है, बराए मेहरबानी चेक कीजिए और दोबारा मिलाइए। द नंबर यू हैव डायल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज चेक एंड रीडायल। माफ कीजिए, आपका मिलाया हुआ नंबर मौजूद नहीं है।
बराए मेहरबानी। तो कॉन्टेक्ट तो हमने यहाँ से डायरेक्टली मैं ट्राई कर चुका था कि भाई उसमें तो नंबर ही किसी के उसमें इस्तेमाल में नहीं है, तो बाहर से ही भाई दिल धक धक करने लग गया यार, 3200 रुपया गया हमारा, मतलब मेरा 3200 गया। उस लड़की को फिर मैंने बोला कि यार काइंडली आप ऐसा कुछ नंबर हमें प्रोवाइड कर दें उस सेलर का जो आपके साथ रजिस्टर्ड है, क्योंकि आप COD करें हैं, ठीक है। COD का मतलब कि वो आपसे रजिस्टर्ड है, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन उस बंदे की मौजूद है, विद बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल ID कार्ड, सब कुछ पर्सनल जो के उसका है वो आपके पास अवेलेबल है। तो काइंडली कुछ ऐसा कीजिए जो कि दोबारा वो दूसरों के साथ इस तरह का फ्रॉड ना कर सके। मेरे पैसे आए ना आए मुझे कोई टेंशन नहीं है, खैर गए अल्लाह वाले हो गए, लेकिन दूसरों के साथ ये सीन ना हो, दूसरों के साथ ऐसा फिर बर्ताव ना हो, दूसरों के साथ ये जो खेल खेले दोबारा ना हो। तो ठीक है भाई, उसने बोला हम माजरत करते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हम मैंने बोला कंप्लेन कर दो यार, कंप्लेन लिख दो। उस लड़की ने कंप्लेन भी नहीं लिखी, बोले हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कर ही कुछ नहीं सकते। मैंने बोला ठीक है भाई, जो आप लोग कर सकते हो आप करो, जो मैं कर सकता हूँ अब मैं आपके साथ करूँगा। मैंने कॉल ऑफ कर दी। फिर हम लोग मैनेजर के पास गए, हमने मैनेजर को बोला भाई ये सीन है, वो तो बोल रहे कि हम कुछ कर नहीं सकते, ना कंप्लेन लिख रही है। ऑर्डर नंबर जो था वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा। ऑर्डर नंबर हम डिटेल दे रहे हैं, सब कोई डिटेल हमने प्रोवाइड कर दी है, लेकिन ना भाई कुछ हो ही नहीं रहा। जो नंबर वहाँ पे सेलर ने दिया वो भी उन्होंने ख़राब दिया, वो मतलब कि लग ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा था। तो अब हम क्या करें भाई? तो उसने हमने बोला भाई कंप्लेन करो इसकी। तो उसने बोला कंप्लेन मैं कर दूंगा, ऐसे उसने बोला, कुछ भी नहीं होना ऐसे। वो भाई कर तो दो, कुछ ना हो हो सही, लेकिन करो तो सही कुछ यार। तो बोले भाई कुछ नहीं होता, मैं कंप्लेन कर दूँ। सरसरी तौर पे उसने वो सब कुछ लिखा और ट्रांसफ़र करवाया। तो वहाँ से हम निकले बाहर, लेकिन जो मेरा दोस्त था, ठीक है, वो इन चीज़ों को थोड़ा जानता था, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर गया और हमारी जो पेमेंट हुई रिकवर हुई, लेकिन कैसे रिकवर हुई ये अभी तक मुझे आइडिया नहीं लग रहा। कि मैं जैसे ही बाहर गया मोबाइल निकाला और तब वहाँ पर जो जो हुआ वो मैंने वहाँ पर बताया। भाई लोग अभी हम लोग TCS के ऑफिस में आए हैं, तो TCS के मैनेजर से बात की है। ये भाई साहब कहते हैं कि आप कॉल सेंटर पे कॉल करें, वहाँ पे कॉल करते वो लड़की आगे से बोलती है हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। भाई मज़े की बात यह है, सेलर इनके साथ रजिस्टर्ड हुआ हुआ है, सेम। अब बोलो जो सेलर रजिस्टर्ड है, जाहिर बात है भाई फिर कंप्लेन कुछ होता है ना यार, रजिस्टर्ड है आपसे, उसने CNIC आपके पास होगी, सब कुछ होगा। ये लोग बोल रहे हैं ना भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे जो है वो पैर जो है वो खड़े हो चुके हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या रोल है आगे से, ये लोग हमारे साथ TCS वाले भी करें, और कम से कम तुम लोग कुछ डिटेल प्रोवाइड हमें कर दो, हम लोग आके कुछ जाके उसके साथ कोई कहानी वगैरह डालें। पर ना अभी अपने सोर्सेज से कुछ बात की, अब देखते हैं यहाँ पे क्या था, क्योंकि यार लास्ट मोमेंट तक जाना है। मैंने बात खाली मेरे पार्सल की नहीं है, TikTok पे शेयर करके पता नहीं कितने बंदों को इसने जो है वो सीन इसके साथ लगाए हैं। अब हो सकता है कि जो हमने वहाँ पर बोला, मैंने जो बोला वहाँ पर, उसकी बिना फिर उन्होंने कैमराज देखे हों, तो इनकी भरल मैंने वो दूसरी जो वीडियो थी इनके स्टोर की और जो सामने ऑफिस था उसकी भी वीडियो बनाई मैंने, और फिर हम वहाँ से निकल आए। तो अब आगे हम लोग जैसे ही थोड़ा आते हैं, तकरीबन हाफ एन आवर के बाद हम, मुझे कॉल आती है एक अननोन नंबर से, जो कि प्राइवेट लोकल नंबर है, आई थिंक से वो यूफोन का था और जैस का था, इन दोनों नंबर में से कोई नंबर था इनका। फिर लड़की एक बात करती है, पर जितना भी सिनेरियो है ना यार, ऑर्डर बुकिंग से लेके ऑर्डर पेमेंट रिसीव, मतलब कि पेमेंट रिफर्स होने तक ही लड़कियों ये कॉल करती रही मुझे। फिर लड़की कॉल आती है, बोलती है आप हमारे बात करें। यस ऑफ कोर्स हम बात, तो आपने ऑर्डर किया था रिसेंटली 3200 का, 3000 प्लस 200 डिलीवरी। मैंने बोला बिल्कुल किया था, आपने पैसे दिए? मैंने बिल्कुल राइडर को पैसे आपके दे दिए। तो आपका इजी पैसा जैसे कैश नंबर क्या? तो मैंने बोला सेम स्टेप यही है जो आपने अभी जिस पर कॉल किया। तो उन्होंने बोला ठीक है अगले 5 मिनट में आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो 3200 रुपये मेरे अगले 5 मिनट में मेरे अकाउंट में आ चुके थे। अब ये समझ मुझे नहीं आ रहा कि भाई क्यों, किस लिहाज उन्होंने हमें पैसे वापस किए हैं। कंप्लेन तो उन्होंने दर्ज की नहीं, और जो मेरा दोस्त था उसके थोड़े ताल्लुकात थे रिलेशन से, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसने बात वगैरह भी हमने करवाई और उन्हें रियलाइज करवाया कि भाई हम वो टालने वाले बंदे नहीं है कि आप इससे टाल देंगे, वो करेंगे तो ये मान जाएंगे। तो बहरहाल ये दो सिनेरियो थे, एक हमारे कॉन्टैक्ट, दूसरी मेरी वीडियो। अब पता नहीं है किस वजह से उन्होंने हमें पैसे वापस किए। हालांकि ये पैसे जो थे ना, उन्होंने जो ऑर्डर फेक आया, मेरे पास प्रूफ वीडियो का पड़ा हुआ था। मैंने बोला यार आप वीडियो के प्रूफ दे रही, मैं आपको बताता हूँ इसमें परफ्यूम निकला है। तो पैसे तो उन्होंने उस प्रूफ पे वापस करने चाहिए थे, लेकिन वो प्रूफ पे वापस उन्होंने पैसे नहीं किए। या तो उन्होंने मुझे रिलेशन पे वापस किए, या फिर उन्होंने मुझे जो मैं आते निकलते हुए मैंने वीडियो पे उस पे मुझे पैसे वापस हुए। तो अब यहाँ पे मजे की बात यह आती है कि भाई अब
लोगों को जिसको नहीं पता, जिसने ऑर्डर मंगवा लिया है कि यार ये वापस रिटर्न होगा भी नहीं होगा, तो उसके तो 3200 रुपये डज हो गए। पूरे पाकिस्तान में से, पूरे पाकिस्तान में से ये लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं। अब इसी की सेलर को दोबारा वेरीफाई करने के लिए मैंने अपने दूसरे नंबर से ऑर्डर किया, और जब दूसरे नंबर से मैंने ऑर्डर किया तो अब TCS के बजाय लेपर्ड वाला बंदा मेरे पास आया। ठीक, तो अब लेपर्ड वाला बंदा आ रहा है तो मुझसे एक गलती, वहाँ पे मिस्टेक जो हो गई वो कि मैंने उसके ऊपर जो उनका वो नंबर कॉन्टैक्ट सब कुछ था उसको कैप्चर नहीं किया यार। कैप्चर किया लेकिन जल्दी जल्दी में किया, ऐसे समझ नहीं आई मुझे यार क्या हो गया था। तो बहरहाल ये बिग मिस्टेक है मेरी, बाद में मुझे रियलाइज हुई थी। तो लेपर्ड वाला आता है तो भाई मैंने उससे इसके सामने मुक्के उसे लगाए, मुक्के वुके मारे, तो मैंने बोला ये तो फेक पार्सल है। अच्छा भाई लोग, अभी मैं शॉप पे मौजूद हूँ, अभी मुझे राइडर की कॉल आई है कि आपका पार्सल आ चुका है, तो लेट्स सी के पार्सल क्या होता है। अब मैं आपको लाइव मनाजर दिखाऊंगा। TCS वाले इतने गलती पकड़ी हुई है कि मैंने कंप्लेन भी की थी यार, कंप्लेन की थी कि यार ये बंदा सेलर जो है ये ठीक नहीं चीज़ें दे रहा, काइंडली यार इसको आप बैन बैन करो, कुछ करो। लेकिन नहीं भाई, यार है एक और पार्सल आ रहा है, अभी देखते हैं कि इनका ये सीन क्या हो रहा है। TCS वाले क्या मतलब कि COD में यार, COD में CCS वाले उनसे रजिस्टर करके फेक चीज़ें पार्सल करें, पता है कि यार ये फेक चीज़ फिर नहीं लगी यार ये। अभी आ रहा है तो आगे की क्राइटेरिया जो है वो आपको दिखाता हूँ लाइव, और साथ में जो है इस ऑर्डर के बाद एक और ऑर्डर प्लेस करने वाला हूँ मैं। तो जब तक ये फेक लाता रहेंगे तो तब तक मैं इनकी यहाँ पे बैंड बजाता रहूँगा, और मकसद मेरा किसी को तजलील करना या जलील करना नहीं है, जस्ट इतना यार कम अज़ कम वो बंदा 3200 रुपया का स्कैम कर रहा है, खासकर इस दौर में, और 3200 कमाना यार बड़ा मुश्किल है। तो अभी कॉल फिर उसकी आ गई है, देखते हैं भाई वो भाई सब किधर है। हाँ भाई, एक और पार्सल आया यहाँ पे, तो पिछले बार TCS का आया था, इस बार ये सेम पार्सल जो है ये लेपर्ड वाले भाई लेकर आए हैं, और फिर वही सीन है, बीच में बबल रैप इन्होंने भरा हुआ है, और वो 50 रुपये वाले जो उन्होंने परफ्यूम है वो कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप सब भी। चले भाई, तो अब वहां पर वो बंदा वापस ले गया। उसके बाद मुझे TCS की एक और कॉल आती है भाई, सॉरी TCS ये लैपटॉप था, उसके माइक का कुछ इशू आ रहा था जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं भी शॉप पे था और आगे कस्टमर थे, तो बहरहाल उसने मुझसे बात की, आप हमारे बात करें, सॉरी हमजा बात करें, क्योंकि मैंने हमजा के नाम से ऑर्डर किया था। बोला यस ऑफ कोर्स आई एम अंकल, तो आपने रिसेंटली ऑर्डर किया था इस पर? मैंने बोला बिल्कुल ऑर्डर मैंने किया था। तो साथ में मैंने बोला यार ये तो फेक ऑर्डर है, तो उसने मुझे बोला यार आपको पता है फेक ऑर्डर है तो आपने प्लेस क्यों किया था ऑर्डर, तो आप ना करें, बस ये कहना था उसका, बंद कर दिया उसने कॉल। अब मुझे समझ नहीं आ रही भाई, मैं इस टाइम क्या आपको अल्फाज बोलूँ, मुझे बड़े गंदे गंदे अल्फाज आ रहे हैं वीडियो के चलते, मैं इंटरनली यहाँ पर नहीं बोल पाऊँगा। तो भाई अगर आपको पता है, मतलब हमें भी पता है और आपको भी पता है कि वो चीज़ फेक भेज रहा है, क्योंकि जस्ट मैंने अकेले रिपोर्ट नहीं की होगी, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में टिकटॉक स्वीटी हाउस या ऐसा के कोई वेबसाइट है वो आगे मैं मेंशन करूँगा, पूरी उसकी वीडियो लूँगा मैं, साथ में कुछ और वेबसाइट्स भी हैं जो इसी बंदे ने फेक ड्रोन के नाम से टिकटॉक पे लगाई है। ठीक है, टिकटॉक पे भी रिपोर्ट करें जब ये आ जाए, और इससे ऑर्डर ना कीजिए। अगर ऑर्डर अब आपने कर लिया है, सही है, अगर आपका रास्ते में है तो उसे डिलीवर, उसे रिसीव ना कीजिए काइंडली, और अगर जिसने रिसीव कर लिया है उसके तकरीबन हुए 2 दिन, 1 दिन मैक्सिमम, 1-2 दिन की मैं गारंटी ले सकता हूँ, मतलब मैं गारंटी नहीं ले रहा, वो लोग TCS के लैपटॉप वाले वो ले सकते हैं, क्योंकि उनका 24 घंटे में पैसे वगैरह वापस नहीं होता, 7 डेज का इनकी पीरियड होता है जिसमें ये सेलर के अकाउंट में डालते हैं। तो सिंपल दैट, आपने उसकी तरफ जाना है भाई, उससे बोलना है ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो मेहरबानी करें आप ये वापस कीजिए। वो वापस नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा दबाव अगर आप डालेंगे तो तब ही वो वापस करेगा। ठीक है, ये मिस्टेक है TCS हो, लेपर्ड हो, MNP हो, जो MNP बेसिकली इसमें ऐड नहीं है, मैं कुरियर सर्विस की बात करूँ, लेपर्ड हो या TCS हो, ठीक है, ये इनकी बिग मिस्टेक है, क्योंकि वो बंदा COD कर रहा है, कैश ऑन डिलीवरी, वो उसके साथ रजिस्टर्ड है। तो जब मैंने कंप्लेन की बात की, अभी इस बंदे में कंप्लेन करी, कॉल सेंटर में भी कंप्लेन नहीं की गई, और उस बंदे ने भी कंप्लेन नहीं की जो हमारे मैनेजर, आई डोंट नो उसने लिखा तो है सब कुछ, अब उसने डिलीवर आगे कंप्लेन किया नहीं किए, लगा तो नहीं था कि उसने की होगी, लेकिन बहरहाल ये उनका काम बनता है, सही है। तो इसमें TCS भी पूरा पूरा शामिल होता है, अगर लेपर्ड भी इसमें इंक्लूड है तो, क्योंकि COD करें उस बंदे का पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा, पर्सनल ID कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट जो होता है, जाहिर सी बात है सब कुछ प्रोवाइड करेगा तभी उसका अकाउंट ओपन होगा, वैसे तो उसका अकाउंट ओपन होना नहीं है। और COD मतलब बिहाफ कौन है,
पेमेंट का वो TCS है या लैपड है, कुरियर सर्विस। तो जाहिर सी बात है रजिस्टर्ड है, और इनका जो टाइम पीरियड है पैसे देने का वो 1 वीक होता है। और पता नहीं ये लोग क्या सीन कर रहे हैं, इन्हें पता भी है कि ये चीज़ सेलर जो है फेक कर रहा है, कितनी कंप्लेंट्स और भी मजीद आई होगी मेरे के अलावा भी। ठीक है, मुझे तो खैर पैसे मिल गए, तो कितनों को हो सकते हैं पैसे ही ना वापस मिले हो। तो ये जो बात है ना, ये मिल बांट के खाने वाली बात है कि आप भी खाओ हम भी खाएं बस चलता है। तो इसलिए ऑर्डर ना कीजिए, अगर ऑर्डर कर लिए तो रिसीव ना कीजिए, अगर रिसीव कर लिए विद इन 2 डेज, विद इन 1 डे, मैं आपको विद इन 1 डे का बोलूँगा, आप जाइए उसी दिन, अगर आपने परचेज किया खोला है अगर निकला है वापस जाइए, फौरन वापस जाइए, उसे बोले भाई ये फेक ऑर्डर निकले, काइंडली मुझे पैसे वापस करो। अगर वो पैसे तब वापस ना करें उसे बोलो भाई COD आया आपका, तो एक 24 घंटे कहता है ना, चलो 24 घंटे बोलो, अभी तो 24 घंटे भी नहीं बोल रहे, तो काइंडली मुझे पैसे वापस कीजिए अपने, सही है। तो अगर ना कीजिए तो सीधा सीधा इन पर केस बनता है। तो अगर आप में हिम्मत है, क्योंकि यार बहुत से लोग इस चीज़ से इज्तनाब करते हैं, अगर हिम्मत है तो इन पर लीगल केस होता है यार, लीगल केस, ठीक है, लीगल केस इन कुरियर सर्विसेज पे होगा और इन पे काफ़ी अच्छा जुर्माना होता है। तो बहरहाल ये हमारी वीडियो की, और इसका जो वीडियो की जो वेबसाइट है सही है, मैं मेंशन कर दूंगा पूरी। अभी जो इनका स्टोर है वो आपको विजिट भी करवाता हूँ मैं। अभी तो ये इनका स्टोर है जो इनका ऊपर नाम लिखा होता है स्वीटी स्टोर, तो देख के फेक लग रहा है, जो ऊपर नंबर है काम ही नहीं करते भाई इनके नंबर, तो ज़रा नीचे आए ना आपको, अगर टिकटॉक पे देख रहे होंगे तो ये ड्रोन्स वगैरह ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको दिख रही होंगी कि मार्केटिंग इनकी हो रही है, लेकिन ये चीज़ जो है आप परचेज ना कीजिएगा क्योंकि जस्ट स्कैम है ये, क्योंकि मैं अभी सब कुछ वेरीफाई कर चुका हूँ और स्कैम के अलावा कुछ भी नहीं है। जो मैंने ऑर्डर किया था वो ये चीज़ थी, और निकला क्या वो आपके सामने था 2022। ठीक है, तो अब फेकनेस इसमें इतनी है कि यार देखें, मैं वैसे जो है ना ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता, लेकिन ये चीज़ आपको यहाँ से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक प्रूफ के तौर पे, ताकि आपको लगे ना यार कि कोई स्कैम वगैरह हो रहा है और मैं आपसे स्कैम करूँ, क्योंकि मेरे साथ तो हो चुका है। ये इनका स्वीटी स्टोर नाम है, ठीक है, तो ये 2022 मैंने ऑर्डर किया था 6000, तो 3000 का था और 3200 शिपिंग चार्जेस थी। अब यहाँ पे देखिए, आप जस्ट फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे ना तो आपको दोबारा से एक कॉल आएगी, ठीक है, तो मैं दोबारा इसको फिलअप करूँगा, और फिलअप करने के बाद किस नंबर से कॉल आती है वो जो है दोबारा से मैं रिकॉर्ड करूँगा और एक और वीडियो उस पर बनाऊँगा, तो ताकि यार पता चल सके। अभी ये वर्डप्रेस पे बनी है यार, फ्री की जो वेबसाइट नहीं होती वो वेबसाइट बनी हुई है फ्री की, और ये सारी प्रोडक्ट्स जो आपने आजकल देख रहे होंगे आपके इंटरनेट पे, स्पेशली टिकटॉक पे आ रही होंगी, तो ये चीज़ जो है ये बाय ना कीजिएगा, जस्ट फेक है। स्पेशली ये वाली जो प्रोडक्ट है ना ये बहुत ज़्यादा आ रही है, ये होगी ड्रोन्स हो गए, तो ये वॉच तो आपने टिकटॉक पे देखी होगी भाई, ये वॉच आ रही है, ये आ रही है, मतलब किसने सारे उठाए हैं, उठाने के बाद सीधा इसने पुट आउट कर दिए हैं इस लैंडिंग पेज पे जो कि फ्री का बना हुआ है, और टाइटल वगैरह इसने दिए हैं, और यहाँ से शिप करना है, और बस क्या है उठाना है सब कुछ चीज़ें उठा के इसकी ये डिस्क्रिप्शन वगैरह कॉपी पेस्ट करनी है, और कॉपी पेस्ट करने के बाद डायरेक्टली ये इसको आपने लगा देना है। और ये जो ड्रोन वगैरह हैं 3000 3000 3000, मतलब कि यार इतना ही एक घटिया इंसान है कि क्या ऐसे बंदा बोले, तो इसके स्कैम में ना आइएगा और अपने पैसे जो है इस चीज़ से बचाएं। तो ये इनका स्टोर था, और ये सब इनकी लैंग्वेज को थोड़ा कंट्रोल करके बात करूँ मैं कि ये चीज़ है कि भाई मुझे गुस्सा ज़रूर है इस वजह से कि मिल बैठ के सब लोग कुरियर सर्विसेज को पता भी होने के बावजूद ये लोग कंप्लेन नहीं करें, क्यों नहीं करें भाई, मेरा हक बनता है, मैं आपको कंप्लेन का कह रहा हूँ, आप कंप्लेन ट्रांसफर करें कॉल सेंटर पे, लेकिन कॉल सेंटर में भी बोल रहे भाई हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते, हम माजरत खवाएं आपका कुछ नहीं कर सकते, कोई माजरत का क्या अचार बना के नीचे रख के बैठ जाए उसका, आप कंप्लेन करो ना सेलर पे जो कि फेक चीज़ें पे या फेक प्रोडक्ट पे, आपका प्लेटफॉर्म का नाम ही खराब करो और आप लोग ही कंप्लेन नहीं कर रहे हो, मतलब आप लोग के साथ मिल के बैठ मिल बांट खा रहे हो ना, सिंपल इज दैट कि मिल बैठ खाओ आप भी खाओ वो भी खाए, तो बस काम चलता रहे, माइंड इट, ठीक है। तो होप्स आपको वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी, थोड़ी लंबी होगी लेकिन बट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि यार बहुत से लोगों के साथ स्कैम हो चुका है। टिकटॉक की ज़्यादातर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आप बचे, एक तो वहाँ पर महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं, दूसरी आपको पता भी नहीं होता भाई कि इसमें क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये थी
तो ये थी आज की हमारी वीडियो, होप्स आपको पसंद आई होगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी गाँव में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।